आज इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के टॉपिक पॉलिट्रेक्टिव एंड एडजॉर्बमेंट के बारे में पहले पढ़ेंगे। इससे पहले एसिडिफाइंग एजेंट्स मतलब एसिडिफायर और उसके बाद एंटासिड्स जिसमें पांच से सात तक कंपाउंड थे वो पढ़ लिया था। उसके बाद पॉलिट्रेक्टिव एंड एडजॉर्बमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमको दो कंपाउंड पढ़ना है, बिस्मथ सब कार्बोनेट और सेकेंड जो कंपाउंड है केओलिन मतलब चाइना क्ले। चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं और इसमें मतलब जो जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रोटेक्टिव क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है। प्रोटेक्टिव प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन से, मतलब इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन ना हो उससे प्रोटेक्ट करता है। और एडजॉर्बेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटेस्टाइनल टॉक्सिन, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इंटेस्टाइन में चला गया तो वो उससे एडजॉर्बेंट प्रोटेक्ट करता है, एडजॉर्बमेंट उसको एडजॉर्ब कर लेता है और उसको एक्सक्लूड आउट कर देता है। उसके बाद बात करें प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बमेंट के बारे में। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बमेंट ऐसा एजेंट मतलब इसको इनर्ट सब्सटेंस कहेंगे विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरियल कंडीशन और डायसेंट्री ऑफ जीआईटी बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एडजॉर्ब गैसेस टॉक्सिक टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया। वैसा सब्सटेंस या एजेंट इसको कर दे, सब्सटेंस में इनर्ट सब्सटेंस है इसको एजेंट्स कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट आर एजेंट विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरियल कंडीशन, जैसे डायरियल कंडीशन हो गया, डायसेंट्री हो गया, डायसेंट्री डायरियल कंडीशन ही है लेकिन डायसेंट्री में ब्लड आती है, ये जीआईटी की डिसऑर्डर है। बट जो प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट है इसको इसके पास एबिलिटी होती है गैसेज और गैसेज टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया को एडजॉर्ब करने का, तो ये एडजॉर्ब करती है और डायरियल कंडीशन या डायसेंट्री को ठीक करती है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है डायसेंट्री, डायसेंट्री एक तरह का डायरियल कंडीशन ही है लेकिन इसमें ब्लड आती है। डायसेंट्री एक तरह की डिजीज है इन विच वाटर फ्लूइड विथ और विदाउट म्यूकस और ब्लड इज एलिमिनेटेड। इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोटोजोआ अमोइबा। मेनली इस डायसेंट्री डिजॉर्डर मतलब डिजीज कर ले, डिजॉर्डर कर ले, इसमें वैसा ही कंडीशन होता है जिसमें ब्लड आती है ज्यादातर में। उसका डायरिया के बारे में जानते हैं, मतलब डायरियल कंडीशन क्या होती है ये जानते हैं। डायरिया में लॉस ऑफ फ्लूइड होती है एंड इलेक्ट्रोलाइट होती है, मतलब वाटर फ्लूइड की लॉस होती है। डायरिया एक तरह की सीरियस कंडीशन है जिसमें बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की लॉस होती है। इट इज द सीरियस कंडीशन कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद बात करें डायरिया मेनली अकर्स बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ज्यादा खाने से इम्प्रॉपर डाइजेशन होगी, अच्छे तौर से हमारी गैसियस जूस मतलब एसिडिक गैसियस जूस बेसिक गैसियस जूस मतलब प्रॉपर तौर पे गैस्ट्रिक जूस का पीएच मेंटेन नहीं होगा तो इम्प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगी, फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इंटेस्टाइन में, या फिर कोई फॉर्जिन बॉडी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरिया आ गया प्रोटोजोआ आ गया जिसके कारण बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया का कंडीशन दो तरह की कंडीशन होगी, मिल्ड बैक्टीरिया होगा जिसमें इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड के कारण होगा और एक्यूट बैक्टीरिया होगा जिसमें मतलब फॉर्जिन रीजन से ही होगा, जैसे केमिकल पॉइजनिंग के कारण हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग के कारण हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर फूड से एलर्जी किसी को समोसा ये सब से कुछ को एलर्जी होती है, कुछ को ऑयल से एलर्जी होती है वो खाते हैं मतलब उसको प्रॉब्लम इराइज हो जाता है। उसके बाद गैस्ट्रिक कैंसर के कारण हो सकता है। टॉक्सिक कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड फूड एक मेन रीजन है हमारे एक्यूट डायरिया होने का। और उसके बाद बात करें प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स कौन कौन से कंपाउंड इसमें हम लोग को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बिस्मथ सब कार्बोनेट और केओलिन पढ़ना है। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स लाइक बिस्मथ सब कार्बोनेट एंड केओलिन ईटीसी इनसॉल्युबल साल्ट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोट्स ऑन म्यूकोसल मेम्ब्रेन आर यूज्ड। मतलब प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट जो हमको पढ़ना है बिस्मथ सब कार्बोनेट और केओलिन ये यूज किया जाता है एज बिस्मथ सब कार्बोनेट एंड केओलिन आर यूज एज प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट इनसॉल्युबल साल्ट होता है, वो एक तरह का म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे कोट प्रोटेक्टिव कोट बना लेता है और वहां पे ही मतलब जो टॉक्सिक एलिमेंट रहती है बैक्टीरिया रहती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है और इसको एक्सक्लूड आउट कर देता है। तो बात करें सबसे पहले बिस्मथ सब कार्बोनेट के बारे में, तो एक तरह का बेसिक साल्ट है जिसकी फॉर्मूला BiO2CO3 है। प्रिपरेशन जाने इट इज प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग मेटालिक बिस्मथ सब कार्बोनेट
in 50% nitric acid. Then the solution is concentrated. Again, the solution is added to cool solution of sodium carbonate with stearin. Two Bi plus 8 HNO3, two Bi NO3 whole 2, two NO plus 4H2O. ये फर्स्ट की इक्वेशन हो गया और सेकंड की 2BiNO3 2 को जब हम ट्रीट करेंगे वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट तो ये हमको बिस्मथ सब कार्बोनेट मिलेगा। उसके बाद बात करें प्रॉपर्टी की तो प्रॉपर्टीज में है वाइट हैवी ऑडरलेस टेस्टलेस माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर होता है। उसके बाद इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल है, रेडली सॉल्युबल इन HCl एंड HNO3 विद प्रोड्यूसिंग इफॉर्मेशन। उसका प्रॉपर्टी में जानेंगे आगे स्टेबल इन एयर होता है बट स्लोली अफेक्टेड बाय लाइट होता है, हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, स्टोरेज स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर विच इज कैपेबल ऑफ रेसिस्टिंग लाइट। यूजेज के बारे में बात करें तो बिस्मथ सब कार्बोनेट यूज होता है एज अ प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट, ऑल्सो यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड एज अ डस्टिंग पाउडर, टॉपिकल प्रोटेक्टिव इन लोशन एंड ऑइंटमेंट। उसके बाद बात करें एक दान लेते हैं यहाँ पे, एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, सेप्टिक मतलब पॉइजनिंग होता है, सेप्सिस मतलब ब्लड पॉइजनिंग होता है, एंटीसेप्टिक मतलब अगेंस्ट पॉइजनिंग यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट मतलब जब बिस्मथ सब कार्बोनेट हैवी अमाउंट में लार्ज अमाउंट में यूज होगा तो ये एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, जैसे मतलब कभी वॉन्ट पे आ जाए टॉपिकली और एज ए वॉन्ट पे टॉपिकली जब यूज किया जाएगा और इंटरनली मतलब लार्ज अमाउंट में लिया जाएगा तो एक तरह का रिस्क रहता है, जैसे नाइट्रेट नाइट्राइट में होगा कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पे हेमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन में चेंज कर देगा तो ये एक तरह का इसका एडवर्स इफेक्ट है। सेकेंड जानेंगे केओलिन के बारे में जिसको चाइना के लिए कहा जाता है, इसकी डिटेल हमको मतलब फार्माकोग्नोसी में भी पढ़नी है। तो इसमें फॉर्मूला हो गया Al2O3 2SiO2 2S2O, एल को यहाँ पे छोटा स्मॉल में कर लीजिएगा। उसके बाद प्रिपरेशन जानने तो केओलिन इज प्रिपेयर्ड व्हेन द रॉक इज माइंड एक्सकैवेटेड एंड द इम्प्यूरिटीज आर वॉश्ड विद वाटर एंड देन पाउडर्ड। ये लार्ज पार्टिकल्स इसमें जो रह जाती है पाउडर होने के तौर समय तो उसको सेपरेट किया जाता है और उसको रिमूव किया जाता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर होती है जो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना है उसके बेसिस पे। उसके बाद प्रॉपर्टीज हो जाएगी तो प्रॉपर्टीज में जानेंगे तो ये प्लास्टिक लाइक होती है और नॉर्मली वाइट इन नेचर होती है, अर्थी और क्लेई लाइक टेस्ट होती है क्योंकि ये माइंड होती है हमारे रॉक का तो इसलिए अर्थी एंड क्लेई लाइक टेस्ट होती है। ये स्मूथ होता है छूने से और सोप साबुन के तरह इसकी टच करने से फीलिंग आती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ केओलिन के बारे में जाने तो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन केओलिन इज क्लासिफाइड इन टू 3 कैटेगरीज, हेवी केओलिन, लाइट केओलिन, नेचुरल लाइट केओलिन। अब हेवी केओलिन के बारे में जानेंगे तो एबिलिटी इसके पास होती है लाइट को पोलराइज करने की और इसकी साइज 20 माइक्रोमीटर डायमीटर में होती है। उसके बाद हम बात करें लाइट केओलिन की तो इसकी पार्टिकल साइज ऑफ लाइट केओलिन इज स्मॉलर देन हेवी केओलिन, 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। उसके बाद इट कंटेन्स सुटेबल डिस्पर्सिंग एजेंट एंड फॉर्म्स स्टिकी मास। थर्ड नेचुरल लाइट केओलिन के बारे में जाने तो नेचुरल लाइट केओलिन में कोई डिस्पर्सिंग एजेंट नहीं होती है। उसके बाद केओलिन के हम यूजेस के बारे में जानेंगे तो केओलिन इज यूज्ड एज एन एडजॉर्बेंट। उसके बाद एंटी डायरियल एक्शन भी शो करती है, ओरल रूट से जब दिया जाता है तो यह टॉक्सिक को एब्जॉर्ब करती है और टॉक्सिक या दूसरे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है और इसको एलिमेंट्री फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक से एब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद बल्क ऑफ फेसेस को मतलब स्टूल को इंक्रीज कर देगी और वो एक्सक्लूड आउट हो जाएगी स्टूल के साथ ही। उसके बाद एक्सटर्नली लाइट केओलिन यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डस्टिंग पाउडर एंड ऑल्सो एज फूड एडिटिव। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म होती है।